Hey, what's up everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सुप्रभातम बच्चों, ये हम लोगों की संस्कृत की क्लास है। बच्चों, दसवां पाठ है मूर्ख वानर, पाठ दस। लेसन आपका क्या है? टेन है। और चैप्टर का नाम क्या है? मूर्ख वानर। मूर्ख का अर्थ क्या होता है? मूर्ख, जिसके पास कोई बुद्धि ना हो, कोई दिमाग ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। वानर का अर्थ क्या होता है बच्चों? बंदर। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों आप लोग अपने चैप्टर में देखेंगे कि मूर्ख वानर आपके चैप्टर का नाम है। ठीक, इसमें आप देखेंगे कि कुछ पेड़ पे कुछ पक्षियों के घोंसले बने हुए हैं और नीचे क्या है कि एक बंदर भीगता हुआ बैठा है। ठीक, अब जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब हम समझ पाएंगे कि बंदर को मूर्ख क्यों कहा गया है यहाँ पे। ठीक, जब हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे तो हम खुद ही समझ जाएंगे कि बंदर को मूर्ख क्यों कहा गया है। लेकिन सबसे पहले चैप्टर का इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? वर्ड मीनिंग। जब तक बच्चों हम चैप्टर के अपने वर्ड मीनिंग नहीं समझेंगे तब तक हम अपने लेसन को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? हम संस्कृत का अर्थ ही जब नहीं समझेंगे तो हम कैसे समझेंगे कि हमारे चैप्टर की हिंदी क्या है? तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे? हिंदी शब्दार्थ को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले देखिए आपका इस तरफ क्या है? शब्द है और इस तरफ आपका अर्थ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपनी वर्ड मीनिंग को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग देखेंगे कि आपकी बुक में भी वर्ड मीनिंग लिखी हुई है। ठीक, तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग आपके क्या है? तीरे। तीरे का अर्थ क्या होगा बच्चों? किनारे पे। ठीक, एका का अर्थ क्या होगा? एक। वट वृक्षा का अर्थ क्या होगा? बरगद का पेड़। आशीतम था। ठीक, तस्मिन वृक्षे, तस्मिन का अर्थ क्या होता है? उस वृक्ष का अर्थ होता है वृक्ष पर, जैसे जहाँ पे कई वृक्ष हैं तो वहाँ क्या हो जाएगा? वृक्ष हो जाएगा। तो तस्मिन वृक्ष का अर्थ हो जाएगा उस वृक्ष पर। परिश्रमेण, परिश्रमेण का अर्थ क्या होगा बच्चों? मेहनत से। निदेश मतलब घोंसलों में। खगा पक्षी, खगा खगर, खगो खगा। तो यहाँ पे बहुत से पक्षियों का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? मतलब खगा का अर्थ क्या हो जाएगा? मतलब बहुत से पक्षी। ठीक, सुखेन मतलब प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्न। जैसे हम कभी कभी क्या होते हैं कि बहुत प्रसन्न रहते हैं तो हम क्या कहते हैं कि आज हम बहुत पूरा टाइम बहुत सुख से बीता, मतलब सुखेन का अर्थ क्या होगा? प्रसन्नता पूर्वक। ठीक बच्चों, आप लोग क्या करेंगे? वर्ड मीनिंग को अपनी कॉपी में लिखेंगे और लर्न करेंगे। एक तरफ आप लोग संस्कृत शब्द लिखेंगे और एक तरफ उसकी हिंदी लिखेंगे। आगे की वर्ड मीनिंग बच्चों क्या है? औष्णम। औष्णम का अर्थ क्या होगा बच्चों? रहते हैं। तत्र का अर्थ होगा वहां। वृक्ष तले का अर्थ क्या होगा बच्चों? वृक्ष के नीचे। जैसे यहाँ पे क्या बच्चों? तस्मिन वृक्षे, तस्मिन का अर्थ हो गया उस वृक्ष का अर्थ हो गया वृक्ष पर। तो यहाँ क्या है? वृक्ष तले। वृक्ष का अर्थ क्या होगा? वृक्ष तले का अर्थ हो जाएगा नीचे। तो वृक्ष के नीचे। कश्चिदम का अर्थ हो जाएगा कोई। वानरा का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? बंदर। अपि का अर्थ होगा भी। एकदा का अर्थ हो जाएगा एक बार, जैसे कहते हैं ना कि एकदा, तो हिंदी उसकी क्या होगी? एक बार। वृष्ट जलेन वर्षा, वृष्ट का अर्थ क्या होगा? वर्षा। जलेन का अर्थ होगा जल। ठीक, तो वृष्टि जलेन का अर्थ होगा वर्षा के जल से। अतियो का अर्थ क्या होगा बच्चों? अत्यधिक, जैसे बहुत ज्यादा कोई कार्य हो जाए, जैसे कहते हैं ना कि आज अत्यधिक बहुत ज्यादा हो गया, तो अतियो का अर्थ हो जाएगा अत्यधिक। आर्द्रा का अर्थ हो जाएगा गीला या भीगा हुआ। बच्चों अब हम लोग आगे के वर्ड मीनिंग को कंप्लीट करेंगे। कंपितम। ठीक, तो कंपितम का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? कांप रहा था। कंपित का अर्थ क्या हो जाएगा? कांप रहा था। चल का अर्थ हो जाएगा और अभवतम का अर्थ हो जाएगा हुआ। शीतेन ठंड से, जैसे जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? शीतेन ठंड से। तम का अर्थ हो जाएगा उसको। अवधनम कहा। ठीक, जिसे एक हो जाता है कस्मिन, कहाँ, मतलब ये वस्तु कहाँ रखी है।
लेकिन अवदनम पाठ हो जाएगा कहा। किसी व्यक्ति से जब हम बात करते हैं तो वहां क्या हो जाएगा, अवदनम कहा। ठीक, कष्टम परेशानी, अनुभवश्य महसूस करते हो, कथम क्यों। एतत्म का अर्थ जो हो जाएगा यह, श्रुत्वा का अर्थ क्या हो जाएगा, सुनकर, जैसे किसी बात को किसी आवाज को सुनकर। अचित्यतम सोचा, एते मतलब ए, क्षुद्र छोटे छोटे प्राणी, माँ मुझको या मेरी, निंदा का अर्थ हो जाएगा निंदा करते हैं। अतः का अर्थ हो जाएगा इसलिए, क्रोधेन क्रोध से, अत्यधिक जब क्रोध से तमतमा उठता है व्यक्ति तो क्या कहते हैं, क्रोधेन। अधा का अर्थ हो जाएगा नीचे। उसके बाद है बच्चों आपायतम का अर्थ होगा गिरा दिए, ठीक है। अनश्चितम का नष्ट कर दिया, ठीक है। नीडस घोंसले के साथ, जैसे नीडस मतलब घोंसले को भी और उन अंडों को भी, तो घोंसले के साथ अंडानी अंडे, नष्टानी जातानी, ठीक है, नष्ट हो गए। मतलब जब उस बंदर ने घोंसलों के साथ ही अंडों को भी नीचे फेंक दिया तो क्या हो गया, घोंसले के साथ अंडे भी नष्ट हो गए। तो बच्चों आप लोगों की वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो गई है, आप लोग इसको कॉपी में लिखेंगे और लर्न करेंगे। कुछ नहीं समझ में आएगा बच्चों तो मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।